हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं इस मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा बांग्लादेश टी20 लीग का जीजीसी वर्सेस जीकेएच के बीच 1 घंटे 47 मिनट बाद। तो गाइस, बात करूं इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहां मिलेगी, इस मैच की आपको टीम फाइनल की लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये है प्रीवियस मैचेस के कुछ स्क्रीनशॉट जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए थे, और प्रीवियस मैचेस में अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगी थी नाइट की, और ये भी आप देख सकते हैं। ये है आज का गाइस बीबीएल, तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। बात करूं मैं इस बांग्लादेश टी20 लीग की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही लेस करना, क्योंकि ये ना हो, क्योंकि आपको पता ही हमारा बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड ओवरऑल हमारा जो अलग अलग टी20 है, जैसे कि लंका प्रीमियर लीग, बीबीएल, वो अच्छा जाता है। सिर्फ बांग्लादेश जो टी20 है, ये हमारा जाता है एवरेज, बिकॉज इसमें कुछ भी हो जाता है। अगर देखो, ओपनर या तो ओपनर किसी दिन सेंचुरी मार देगा या किसी दिन जीरो पे उड़ जाएगा, जैसे कि अभी पिछले मैच में हुआ, जैसे कि एन शेख के साथ हुआ, पिछले मैच में सेंचुरी और आज के मैच में एक रन पे आउट। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट लेस रखा करो। मैं तो इंटरनेशनल लेवल देख के भाई टीम बना रहा हूँ। और बात करूँ विकेट कीपर की, लीटन दास, जिसको कि बांग्लादेश की टीम में एंट्री मिली थी और बहुत बखूबी निभा रहा है भाई अपनी टीम के लिए। और आप देख सकते हैं पिछले मैच में एक रन आउट स्टंपिंग करके एक कैच भी पकड़ी, साथ ही साथ 55 रन मारे, मींस हाफ सेंचुरी, जिसमें कि लीटन दास का कोई तोड़ नहीं है विकेट कीपिंग में। और मेरा फेवरेट विकेट कीपर है बांग्लादेश की टीम का, और मतलब दो हैं वैसे इनके पास, एक रहीम, एक लीटन दास। तो लीटन दास इज मोर गुड देन रहीम। तो बात करूंगा इस बैट्समैन की, जे इस्लाम। शुरुआत बहुत ख़राब हुई इस्लाम की, ओपनर आता था और अभी भी ओपनर आएगा। शुरुआती के हिसाब से इसको काफ़ी लोगों ने अपनी टीम में नहीं चुना, लेकिन अब इतना ऊपर चढ़ गया। जो क्रेडिट जो ये प्लेयर हमें मिलता था 8 क्रेडिट का, वो आज 9 क्रेडिट का हम ले रहे हैं। क्रेडिट मायने नहीं रखते, लेकिन प्लेयर मायने रखता है। भले ही अगर ये ज़्यादा क्रेडिट का भी होता, तब भी मैं इसको लेता, बिकॉज प्लेयर के अंदर अलग जज्बा है। और आगे से बात करूँ एस हुसैन की, शमीम हुसैन को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, इतना अच्छा नहीं है। आप चाहो तो इसकी जगह अलग अलग प्लेयर्स ट्राई कर सकते हो। अब जैसे कि पिछले मैच में हसन जॉय ओपनर नहीं आया, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता। और मतलब अगर आप देखें तो एस रहमान को जीएल में ट्राई कर सकते हो, लेकिन हुसैन इज मिडल, मतलब इतनी अच्छी बैटिंग संभाल रखी है मिडल ऑर्डर की, उसके लिए ले रखा है। और एस होम की बात करूँ, एस होम एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, ये बैट्समैन नहीं है गाइस, ये ऑलराउंडर है। और 4 ओवर बॉलिंग डालता है, जिसमें कि शुरुआती 2 ओवरों में ही 1 विकेट अपने अंडर पास करता ही करता है। बात करूँ ऑलराउंडर की, शाकिब अल हसन, जो कि पिछले मैच में तो नहीं चला, लेकिन 8 दिसंबर के मैच में बहुत ज़बरदस्त रहा इसका रिकॉर्ड, और बॉलिंग भी करेगा। तो सोम्या सरकार, जो कि पिछले मैच में ओपनर आ गया और कैप्टन था मेरा, और 2 बार से शुरुआती, मतलब शुरुआत इसकी भी थोड़ी बेकार हुई थी बीच में, मतलब डाउन हुआ था, शुरुआत अच्छी की थी, बीच में डाउन हो गया, लेकिन अब वापस कम बैक हो चुका है बिकॉज ऑफ बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जिसको ऊपर मिलेगा वो कोशिश करेगा कि अच्छा स्कोर करूं। और नीचे से बात करूं भाइयों, एम हुसैन की, मोसद्दक हुसैन को तो मैंने ले लिया, लेकिन ऊपर से एक प्लेयर है महमदुल्ला, इसको छोड़ दिया, बैटिंग लेट करता है महमदुल्ला। अगर आप चाहो तो ले सकते हो इसकी जगह, देखो कोई बात नहीं है, ये दोनों टीम्स का ऑलरेडी मैच हो चुका है, तो मुझे महमदुल्ला की बॉलिंग सही है। मैं ये नहीं कहता, देखो हर मैच में विकेट भी ले रहा है, लेकिन क्या करें, इतने सारे प्लेयर मैं कैसे लूँगा, बिकॉज बैटमैन और बॉलिंग भी ज़रूरी है। बात करूँ बॉलर्स की, तो एम रहमान, इसके बारे में आपका क्या कहना है भाइयों, बांग्लादेश का की प्लेयर, जो कि इवन हर मैच में विकेट, एक भी खाली ऐसा मैच ना हो जिसमें कि इसने 30 पॉइंट ना दिए हो। 30 पॉइंट का मतलब जानते हो, सिंगल विकेट। तो सीधी बात है भाई, अगर इतना एक्सपीरियंस है अपनी होम पिच पे इस प्लेयर को, कि किसी को ना हो। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो बात करूँ आगे से एच महमूद की, ये भी एक काफ़ी बढ़िया एवरेज क्लब प्लेयर है, जो कि भाइयों मतलब इसकी जगह चाहो तो आप ले सकते हो महमदुल्ला को, लेकिन क्रेडिट मेंटेन नहीं हो रहे, और अगर आपको मेंटेन करने हैं तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, जो कि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। लेकिन महमूद का उसमें कोई रोल नहीं है, ये बढ़िया बॉलर है। और एस इस्लाम की बात करूँ, एस इस्लाम को मत छोड़ना। कई बार आपने नोटिस किया होगा आपकी पूरी टीम जीत रही होगी, सिर्फ आपको कौन हरवा रहा है, हर बार एस इस्लाम की एक विकेट, क्योंकि ये ओपोनेंट की एक आधी टीम में होता ही होता है। तो इस्लाम को मत छोड़ो, ये गौर है एस इस्लाम, ये दोनों एक ही टीम के नहीं है, अलग अलग टीम के, लेकिन दोनों का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया। और इनको तो मैं तो यही बोलूंगा कि जीएल में ट्राई करो कॉम्बिनेशन को, अलग अलग है टीम के, लेकिन नेम एक है, लेकिन वर्क भी एक है। बात करूं कैप्टन की, तो कैप्टन लीटन दास बिकॉज ओपनर, सौम्य सरकार 2 ओवर ही बॉलिंग डालता है, विकेट अभी तक कोई खास आ नहीं रही, इसलिए मैंने इसको कैप्टन नहीं चुना। और अगर मैं दोनों की बैटिंग में कंपैरिजन करूं, देन लीटन दास की ज्यादा अच्छी बैटिंग है और विकेट कीपिंग में भी कैच आउट करता है। और साथ ही साथ वाइस कैप्टन आप चाहो तो सरकार को रख सकते हो, लेकिन मैं रखूंगा एस होम को, बिकॉज वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।